बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमा के दस्तखान के साथ मैं हाजिर हूँ, खुश रहे, आबाद रहे, आपका दस्तखान भरा रहे, दूसरों में खुशियाँ बांटें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, आगे से आगे वीडियो को शेयर करिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंगाड़े, स्टीम करना बताऊँगी और उसके साथ ही मैं उसके पकौड़े बनाना बताऊँगी, बहुत मज़े के बनते हैं, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मैंने सिंगाड़े लिए आधा किलो, उसको मैंने तीन चार पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया था, वॉश करके मैंने ये आधा किलो के करीब सिंगाड़े हमें बताती हूँ उसको क्या करना है। सिंपल और आसान तरीके से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैंने पानी लिया है, हाँ, एक पतीली में मैंने पानी लिया है, इसको मैंने गर्म करने रख दिया चूल्हे पे, और इसके बाद एक छन्नी से ले लेंगे, इसके ऊपर ये हम ये डाल देंगे सिंगाड़े, ताकि स्टीम हो जाए। सिंगाड़े छन्नी के ऊपर डाल दिए, आप चाहे तो उसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, स्टीमर में भी कर सकते हैं, मैंने आपके आसानी के लिए इस तरह बताया। अब इसके ऊपर हमने ये छन्नी रख दी, छन्नी के ऊपर ये डाल दिए सिंगाड़े, इसको हम ढक देंगे और इसको 5 मिनट तेज आंच कर फ्लेम तेज करेंगे इसका, और फिर इसके बाद हम इसको चूल्हा बंद करके इसी में रहने देंगे 10 मिनट, और फिर मैं आपको छील के दिखाऊंगी कैसे। अच्छा, ये सिंगाड़े थे, मैंने इसको स्टीम करके 10 मिनट छोड़ दिया था, और फिर मैं इसको निकाल के इसको मैंने छील लिया। इसको एक मैं आपको बता देती हूँ, उस तरीके से हमने इसको किनारे से लेके आना है, इसको छील लेना है, और फिर ये हाथ से पूरी अलग अलग हो जाता है, मैंने इसको यहाँ से करेंगे और ये छिल जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने सारे छील लिए, इसका बैटर बनाना बताती हूँ मैं आपको। बेसन लिया है मैंने आधा कप, छान लेंगे सारी चीज़ों को, बेसन को मैंने छान लिया था, आधा कप मैंने मैदा लिया, आधा कप मैंने बेसन लिया है, इसको छान लिया दोनों को, चावल का आटा है ये लेंगे हम आधा कप, सब चीज़ें हमने आधा आधा कप लिए हैं, उनको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तीनों चीज़ें मैंने आधा आधा कप लिए, बेसन आधा कप लिया, आधा कप चावल का आटा लिया, आधा कप मैंने मैदा लिया है। अगर आप चाहें मैदा नहीं डालना तो उसकी जगह आप बेसन बढ़ा दीजिएगा आधा कप। और मैंने अजवाइन ली है थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून की जितना, 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, कसूरी मेथी ली है 1 चाय का चम्मच मैंने, इसके अलावा इसमें काली मिर्ची डालेंगी 1/4 टीस्पून, नमक जाएगा 1/2 चाय का चम्मच, ये हसबे जायका, थोड़ी सी हल्दी ली है कलर के लिए, क्योंकि उसमें बेसन कम है तो इसलिए मैंने हल्दी थोड़ी सी ली, कुटी हुई काली मिर्च ली मैंने, कुटी हुई मिर्ची ली है रेड वाली, ये भी 1/2 चाय का चम्मच, ये हसबे जायका आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें चाट मसाला भी 1/2 चाय का चम्मच लिया है मैंने। सारी चीज़ें डालेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे इसमें, 1 टेबल स्पून के जितना मैंने इसमें लेमन जूस भी डाल दिया है। अच्छा, हम सबको मिक्स कर लेते हैं और इसका मैं बैटर बना लेती हूँ। इसको ज़्यादा ना पतला रखना है और ना गाढ़ा रखना है, बहुत इसका हम बैटर से बना लेते हैं, जैसे पकौड़ों का बनाते हैं हम इस तरीके से। अच्छा, बैटर तैयार हो गया, मैंने बैटर में डिप करके इसको इस तरीके से मैंने बैटर में डिप करना है सिंगाड़ों को, और इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ फ्राई करना। इसको आप कच्चे भी बना सकते हैं, कच्चे जैसे मैंने स्टीम दिया, अगर स्टीम नहीं देना चाहे तो इसको कच्चे ही ऐसे छील के इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। इसको मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करना है। अच्छा, इसको मैंने पलट दिए, अब ये दोनों दोनों से गोल्डन हो गए, तो बस इसको मैं पलट दिया, इसको आराम से हम इसको निकाल लूँगी। अच्छा, ये मैंने फ्राई कर लिया, इसको निकाले हैं, बहुत क्रिस्पी मज़े के हैं ये, बहुत फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। आप इसको वैसे मैंने स्टीम किया था, इसको कच्चा भी आप खा सकते हैं, आप चाहें तो इसी तरह से स्टीम 5 मिनट दे के इस तरह भी खा सकते हैं, और इस तरह से पकौड़े बच्चों का बना के दें, और लंच में भी बना सकते हैं इनको, और शाम की चाय के साथ बना लें, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त, ज़िंदगी रही तो कल नई डिश के साथ हाज़िर होंगे, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।